183 वां अप्रवासी दिवस के पावन मौका पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री माननीय श्री प्रवीण कुमार जगतनाथ आ मॉरिशस के पूरे जनता के संगे भारत भी अपन श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहल बा। आज से लगभग 183 वर्ष पूर्व 2 नवंबर 1834 को एटलस जनपद से जो शर्तबंद भारतीय मजदूरों का पहला दस्ता इस ऐतिहासिक स्थल की 16 सीढ़ियों को पार करते हुए मॉरिशस में प्रवेश किया था। इस अवसर पर हम सब या उन सब के प्रति भारत की 125 करोड़ जनता की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं उन सब के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 1834 से 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग 5 लाख भारतीय श्रमिक मॉरिशस की धरती पर पहुंचे थे। उस समय गन्ने की खेती और चीनी के कारखानों में कार्य करने वाले इन मजदूरों की हालत अत्यंत दयनीय थी। ब्रिटिश उपनिवेशवादी सरकार ने मॉरिशस को एक प्रयोगात्मक उपनिवेश के रूप में चुना था। इस प्रयोग की सफलता के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश उपनिवेशवादी सरकार ने मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद, फिजी, सूरीनाम आदि जैसे विभिन्न उपनिवेशिक देशों में भेजे थे। लाखों की संख्या में मजदूर भारत से मॉरिशस लाए गए थे, जिनमें से अधिकतर मॉरिशस के स्थायी नागरिक होकर इसी मिट्टी में रस बस गए। मुझे यह कहते हुए संतोष का अनुभव हो रहा है कि हमारे इन भाइयों के परिश्रम, उनके संघर्ष और उनके बलिदान की कथा व्यर्थ नहीं गई। आज मॉरिशस गुलामी और शोषण के तीत से मुक्त होकर एक संपन्न और समृद्ध देश के रूप में विश्व के मानचित्र पर अपना एक स्थान बना लिया है। भारत की तरह ही मॉरिशस भी एक लोकतांत्रिक, बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय राष्ट्र है। पवित्र हम भारतीयों के लिए है, मॉरिशस वासी भी गंगा जी के प्रति या भारत के उन सभी प्राचीन तीर्थों के प्रति वही सम्मान का भाव रखते हैं। इसका जीवंत उदाहरण मॉरिशस के अंदर गंगा तालाब और प्रत्येक उस बस्ती के बाहर काली माई का स्थान और यहां पर सैकड़ों की संख्या में मंदिर इस बात के प्रमाण है। मजबूत सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों की बदौलत भारत और मॉरिशस दशकों से एक सच्चे मित्र के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह जहां कर रहे हैं, वहीं
इन संबंधों को नई ऊंचाइयां प्राप्त हुई जब भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्ष 2015 में मॉरिशस की यात्रा पर आए थे। यह संबंध निरंतर प्रगाढ़ और मजबूत हो रहे हैं।